सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पार्ट टू ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का पार्ट वन हम लोगों ने डाल दिया था, और ये सेकेंड पार्ट है ना, ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है, ठीक है, बहुत दुख वाला पार्ट है। इसी के लिए मैंने इसको फर्स्ट में नहीं किया था, क्योंकि मेरे को खुद बहुत रोना आ जाता है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, आई विल टेक देम ऑफ योर बिल, पेज नंबर 28। उसका लास्ट का तीन पैराग्राफ हम लोग का बचा है। वंस, ओनली वंस, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली टू शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म्स। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक बार मैं उसकी दुकान में, एक बार, सिर्फ एक बार मैं उसकी दुकान में बिना सोचे समझे, मैंने हड़बड़ी में उसकी दुकान में चला गया। और गलती क्या की मैंने उस दिन, गलती मैंने ये की कि मैंने दूसरी कंपनी का जूता पहन लिया। माने मैंने कहीं से इमरजेंसी में किसी और से एक जूता खरीदा था, और वो पहन के मैं उसकी दुकान में पहुंच गया, ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार। ओके, ही टुक माय ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर इंटेग्यूमेंट ऑफ माय फुट। तो वो ना थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया, इस बार वो ऑर्डर ले रहा है बिना किसी लेदर को दिखाए। जनरली वो लेदर दिखाता है कि सर ये देखिए लेदर कैसा रहेगा, बढ़िया लेदर, लेकिन उसने देख लिया और देखते ही पहचान गया कि ये उसके हाथों का, माने उसका, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। तो गुस्सा हो गया है ना, तो उसको लेदर नहीं दिखाया, और वो बार बार उसके ना जूते को देख रहा था, ऐसे ऐसे गुस्सा से उसकी जूते की आंख को देख रहा था, ठीक है। पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर इंटेग्यूमेंट ऑफ माई फुट, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट का होता है कवरिंग ना, तो उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिटिंग में गड़बड़, लेकिन उससे रहा नहीं गया। एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स। हो रहा है, दोज आर नॉट, क्वालिटी तो है ही अगले के अंदर, देखते ही पहचान गया, मतलब वो जो जूता है ना वो मेरा जूता नहीं। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। वो रहा है, जो मेरे को बोला वो गुस्से से नहीं बोला, दुख से भी नहीं बोला, माने ये गुस्सा नहीं है कि तुमने किसी और से जूता क्यों खरीदा, इस बात का भी तक सॉरो नहीं है कि भाई मेरा नुकसान क्यों किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने उसको कंटेम्प्ट भी नहीं है, रिग्रेट भी मैंने वो नहीं करता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था ना कि सुन के जो हमारा जो नैरेटर है ना, उसका ही, मैंने उसको बहुत एम्बैरसिंग लगा। फिर उसने क्या किया, माने जो है हमारे मिस्टर जेसलर ने, ही पुट हिज लेफ्ट हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट गुड एंडेवरिंग टू बी फैशनेबल वाज नॉट क्वाइट क्वाइट कंफर्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। फिर उसने क्या किया, एक जूते, माने अपने पैर में एक जगह प्रेस किया फिंगर के पास में, ठीक है, वो जगह को ऐसे बनाया गया था जिससे वो जूता बहुत फैशनेबल लग रहा था, माने माइकल जैक्सन स्टाइल का लग रहा होगा, नहीं था जैसे जितने पॉप स्टार जो होते ना, माने ऐसा ऐसा डिजाइन दिया गया था जो देख के बड़ा सुंदर लग रहा था लेकिन कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। तुम एक्चुअल में तुम देखिएगा, बहुत सारा शूज होता है ना, हम लोग स्टाइल के लिए तो खरीद लेते हैं, पर आप उसको पहन के जब आप अपना पैर बाहर निकालेंगे ना, आप टायर्ड फील करते, आपकी फिंगर्स में लग जाती, ठीक है। और हम लोग तो खैर रेडीमेड शूज के इतने आदी हो गए हैं, हम लोग के लिए तो कोई भैया ओरिजिनल बनाता नहीं है कि नाप लेके बना रहा है, वो सब तो जमाना ही खत्म हो गया। आजकल तो बस हम लोग बोलता है कितना नंबर का जूता है, और वो ऐसे करता है ठीक है कि नहीं ठीक है, तो माने हम लोग तो, हम लोग को तो ओरिजिनल शूज पहनने का आदत ही नहीं एक्चुअली देखा जाए, है कि नहीं। खैर एनीवेज, तो उसने वहां पे ऐसे करके जहां पर ना वो डिजाइन था उसने वहां पे प्रेस किया, तो उसको बोल रहा है यहाँ पर लगता होगा ना, इट हर्ट्स यू हियर, है ना, बोल रहा है कि यहाँ पर तुमको हर्ट होता हो, है कि नहीं। ही सेड, अब वो पहली बार बोल रहा है, दोज बिग फर्म्स दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। मरा ये बड़ी बड़ी जो फर्म है इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, दे आर ट्रैश। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर माने बोलता है ना, अंदर आदमी का भड़ास होता है ना, तो पहली बार उसका अर्थक्वेक अंदर से फट गया, ठीक है, और उसने सारा का सारा भड़ास निकाला। जनरली वो इतना लंबा बात नहीं करता, लेकिन उसने बात किया लॉन्ग एंड बिटरली, माने और गुस्से से बात, ठीक है। उसने बोला, इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। तो राइट, हमारा नरेटर बोल रहा है, पहली बार मैंने, माने सबसे फर्स्ट टाइम मैंने, माने समझ, मुझे समझ में आया कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ द ट्रेड, की माने उसका, उसके फर्म का क्या कंडीशन था, उसका क्या हार्डशिप चल रहा है, उसका क्या, माने माने उन लोग को कितनी तकलीफ थी, आज तक इसको समझ ही नहीं आया, उसको लगा क्वालिटी दुकान है यार पैसे तो होंगे, लेकिन पहली बार उसको समझ में आया कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो लोग बहुत बुरे टाइम से माने जूझ रहे थे। बोला दे गेट इट ऑल, उनको सब मिलता है, ही सेड दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट,
नॉट बाय वर्क। बहुत ही अच्छी बात बोली है, ठीक है। कभी कभी ना बनता है प्रतीक, मेरे को ये अपने ऊपर भी लगता है, मेरे संग भी ऐसे ही है ना, लोगों को 100 मिलियन बने, अरे अरे हम लोग 100,000 पे अटके हुए भी है ना, है ना। अभी YouTube पर ऐड चला तो हो ही जाता हाँ वो रहा, हम भी YouTube पे एडवर्ड चलाए हम, है ना, लेकिन नहीं यार, है ना, हम लोग को नहीं करना है सर। हम लोग अपनी मेहनत से आस्ते आस्ते, देखो हम लोग के संग अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरे को पर्सनली जानते हैं, नहीं समझा तो, मेरा उनसे पर्सनल कनेक्शन है, जो शायद अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा तो नहीं है कि नहीं। चलो एनीवेज यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसके दिल का इतना उसको गुस्सा है, वो बोल रहा है, दे गेट इट ऑल, दे सेड, दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आर बूट्स, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, ठीक है। तो बोल रहा है हम लोग अपने बूट्स को प्यार करते हैं और हमारा सारा बिजनेस वो लोग ले लेते हैं, और अब ये हाल हो गया है, आई हैव नो वर्क प्रेजेंटली, आई हैव नो वर्क, मेरा सारा काम चला गया, एवरी ईयर आई हैड गेट्स लेस यू विल सी, और हर साल मेरा काम कम होता जाएगा तुम देखना, एंड लुकिंग एट हिज लाइट फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। और उस टाइम उसका जो चेहरा देखा ना, तो उसके चेहरे पे उसने वो देखा जो आज तक कभी उसने नहीं देखा, उसके चेहरे पे बिटर थिंग्स था, बिटर स्ट्रगल था, मैंने उसके चेहरे पे तकलीफ थी जो पहले कभी नहीं देखी, एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और अचानक उसके लाल दाढ़ी में सफेद सफेद बाल, ग्रे हेयर्स दिखने लगे, मैंने उसको कभी तो उसने नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि तो उसको लगता था भाई क्वालिटी है इसका, तो बहुत पैसे होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट काम करते हैं ना, जो क्वालिटी करते हैं उनको उतना कुछ नहीं होता, क्योंकि उनसे चीटिंग नहीं की जा सकती, वो गलत नहीं कर सकते, है ना, तो जो गलत नहीं करता उसके संग गलत होता है ना। चलो, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ परचेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। अब ये बेचारा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बोला भाई मैं भूल से ले लिया था, मेरे को इमरजेंसी था, मेरे पास जूते नहीं थे, वरना मैं आपसे खरीदता हूँ, आप मुझे माफ करें, उस टाइम मैं ना भूल से खरीद लिया, मेरे को बहुत काम था तो मैंने खरीद लिया। उसको कोशिश कर रहा बताने का कि नहीं मुझे तो क्वालिटी जूते ही पसंद है, ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो वो अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका दर्द जब उसने देखा, तो वो बेचारा टेंशन में आके बहुत सारे ऑर्डर दे दिया, 6-7 पेयर का ऑर्डर दे दिया, और ले भाई ऑर्डर ले, गलती हो गया, ठीक है। नेमिसिस फेल, नेमिसिस का मतलब होता है, बोलते हैं ना कभी कभी नजर लग जाती है, ठीक है, तो नजर लग गई, क्या नजर लगी, ये जूते पहले से भी बेटर थे, दे लास्टेड मोर टेरेबली देन एवर, नहीं समझा तो। अच्छा उसके साथ प्रॉब्लम ये था ना कि उसके जूते खराब ही नहीं होते, नहीं समझा तो, खराब नहीं हो सकते तो आप उसको फेंकोगे नहीं, और क्वालिटी जूते तो वैसे भी नहीं फेंकोगे, तो कितने जूते रखेगा आदमी, ये भी एक तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो पहले के जमाने में जैसे तुम लोग देखा, तुम लोग को नहीं पता होगा, जब आजकल तो ये सब क्या नाम है, ये जो आजकल के जो टीवी आ गए हैं, सब वॉल माउंटेड टीवी आ गए हैं ना, जब मैं अपना वॉल माउंटेड टीवी खरीदने गया, वो मेरे को क्या बोलता हूँ मैंने उस टाइम पता नहीं, मैंने लिया तो शायद 70-80 हज़ार रुपये का था, तो मेरे को बोलता है सर 5 साल का गारंटी है, बोला क्या बोल रहा है 5 साल का गारंटी, बोला सर 5 साल तक कुछ नहीं होगा आपका टीवी में, तो मैं बोला उसके बाद क्या होगा, बोला उसके बाद नया टीवी, मैं बोला इतना महंगा टीवी मैं ले रहा हूँ तेरे से, है ना, उस टाइम मैंने आज से करीब 5 साल पहले लिया होगा, मैंने ऑलमोस्ट हो गया इसका टाइम अब, तो अब हम लोग जब थे ना, जब हम लोग के टाइम पर एक वो वाला डब्बा वाला टीवी आता था, ठीक है, वो 10-10 साल चलता था यार, 15-15 साल चलता था टीवी, कुछ खराब ही नहीं होता था उसके अंदर, खराब भी हो जाए तो एक मैकेनिक को बुला, वो बोल रहा है इसका आईसी उड़ गया, आईसी चेंज कर दो, ये सारे टीवी तो खराब होने के लिए बनते हैं कि 5 साल में खराब हो जाएगा, और वो सेल्समैन भी कितना प्राउडली बोल रहा है 5 साल चलेगा, 5 साल में बहुत हो गया क्या, 5 साल हमारी सरकार चलती है यार, 5 साल में टीवी चेंज है, सरकार के संग टीवी भी चेंज करेंगे, अगला इलेक्शन अगला अगला टीवी में देखेंगे यार, ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नेमेसिस फेल का मतलब ये हो गया कि इसने तो बहुत सारे जूते के ऑर्डर दिए थे, पर वो दोनों सारे जूते खराब ही नहीं, ठीक है, तो दे लास्टेड मोर टेरेबली देन एवर, एंड आई वाज नॉट एबल कॉन्शियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 इयर्स, और वो 2 साल तक उसकी दुकान पर नहीं गया, उसने इतने सारे जूते के ऑर्डर दे दिए थे। व्हेन एट लास्ट आई वेंट आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट आउटसाइड वन ऑफ टू लिटिल विंडोज ऑफ अ शॉप अनदर नेम वाज प्रिंटेड। अब जब ये 2 साल के बाद दुकान में गया, तो वहां पर एक तो चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि अब दो दुकान की जगह एक दुकान में जूते रखे, ठीक है, ओके, और जो दूसरा वाला जो शॉप था उसका,
माने वो दो शॉप जुड़कर एक शॉप थी, अब एक और शॉप आ गई और उस पर दूसरा नाम लिखा हुआ, ठीक है। सो एंड एंड टू द वन ऑफ द टू लिटिल विंडोज ऑफ हिज शॉप अनदर नेम वाज पेंटेड ऑल्सो दैट ऑफ अ बूट मेकर मेकिंग ऑफ कोर्स फॉर द रॉयल फैमिली। और एक और जूता वाला आ गया और उसने क्या एडवर्टाइजमेंट किया, मैं राजा लोग के लिए बनाता हूँ, रॉयल फैमिली के लिए बनाता हूँ, ठीक है, शाहरुख खान के लिए जूता बनाता हूँ। द ओल्ड फेमिलियर बूट्स नो लॉन्गर इन अ डिग्निफाइड आइसोलेशन वे हडल्ड इन अ सिंगल विंडो। पहले तुम उसकी दुकान में जाता था तो दो, मैंने उसकी दुकान में दो दुकानें थी, दोनों में एक एक पेयर जूते रहते थे और ऐसा लगता था ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के राजा हैं। लेकिन अब दुकान छोटी हो गई तो उसका जो दोनों सैंपल वाला जूता था वो एक ही विंडो पर आ गया, ठीक है। Inside the now contracted well of one little shop was more scented and darker than ever. अब जो एक दुकान थी अब दो से एक हो गई तो उसके अंदर पहले से ज्यादा सेंट आ रहा था, मतलब ज्यादा लेदर का वहां पर स्मेल आ रहा होगा और पहले से ज्यादा अंधेरा था क्योंकि तो इनका टाइम खराब चल रहा है, इनके पास लाइट भी नहीं है अभी, है ना। पहले दो दुकान थी अभी एक ही दुकान हो गई इनकी। एंड इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल टू बिफोर अ फेस पियर्ड डाउन। और पहले से ज्यादा टाइम लगा किसी को ऊपर से आने के लिए, बूढ़े भी हो रहे हैं परेशान भी हो रहे हैं तो बैठ जाते हैं तो आने में टाइम लग रहा है। एंड द टिप टैप ऑफ बास स्लीपर्स बिगैन एट लास्ट ही स्टूड बिफोर मी एंड गेजिंग थ्रू दोज रस्टी आयरन स्पेक्टिकल सेट। और फिर आस्ते आस्ते एक आदमी ऊपर से आया, ठक ठीक है, और फिर इसको देखा, देख के बोला ओ मिस्टर मिस्टर इजंट इट, मैंने उसको पहचान लिया, अच्छा तू मेरा पुराना कस्टमर। तो इसको बड़ा खुशी हुआ कि उसने उसको पहचान लिया। बोला ओह मिस्टर गैसलर आई स्टैमर्ड, बट योर बूट्स आर रियली टू गुड यू नो, सीज दीज आर क्वाइट डिसेंट स्टिल एंड आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माय फुट, ही लुक्ड एट इट, ठीक है। तो इस ये तो ना एक्चुअली उसको एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं 2 साल बाद क्यों आया। तो उसने बोला अरे क्या करूं सर, आपके जूते खराब ही नहीं होते, है ना, देखिए अभी भी मैं पहना हूँ कितना बढ़िया लग रहा है। तो उसने उसको अपना जूता भी दिखाया कि देखिए मेरा जूता अभी भी बढ़िया है, खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए मैं 2 साल के बाद आया। तो ये है ना सरकास्टिक रिमार्क दे रहा है उसको, क्या बोल रहा है, हाँ हाँ हमारे जूते है ना, पीपल डू नॉट वॉन्ट गुड बूट्स इट सीम्स, बोला लोगों को अच्छी चीज पसंद नहीं आती ऐसा लगता है। सही बात है, ठीक है। टू गेट अवे फ्रॉम दिस हिज रिप्रोचफुल आईज एंड वॉइस आई हेस्टली रिमार्क व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप। तो अब उसका उसका कमेंट से बचने के लिए उसको फटाक से बेचारे अच्छा आपकी दुकान पे क्या हो गया, आपकी दुकान छठी कर दी अचानक अचानक क्या कर लिया दुकान, ठीक टॉपिक को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो माने यहाँ पर सरकास्टिकली वो हमारा जो क्या नाम है मिस्टर गैसलर है वो क्या बोल रहा है, ऐसा लगता है लोगों को अच्छी चीज पसंद नहीं, मैंने अच्छी चीज नहीं चाहिए अब, ठीक है। He answered quietly, अच्छा इसने पूछा कि दुकान का क्या किया आपने, तो बोला इट वॉज टू एक्सपेंसिव, डू यू वॉन्ट सम बूट्स, बोला वो दुकान बहुत महंगी थी, ठीक है, तो तुमको जूते चाहिए। आई ऑर्डर 3 पेयर, उसने 3 पेयर का ऑर्डर दे दिया, दो आई हैड ओनली वॉन्टेड टू, चाहिए था दो, डर के मारे दे दिया 3, ठीक है, एंड क्विकली लेफ्ट, और ऑर्डर देके भाग गया। आई डू नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम और नॉट परहैप्स सो मच अगेंस्ट हिम एज अगेंस्ट हिज आइडिया ऑफ बूट, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये लाइन पैराग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर उसको ऐसा लगा कि वो जो मिस्टर गैसलर है वो ना हम लोग को ये बोल रहा है कि हम लोग की कॉन्स्पिरेसी है, माने हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग एक्चुअली नहीं चाहते कि अच्छे जूते बिके, नहीं समझे बात को, मतलब उसको ऐसा लग रहा दिमाग में कि यार अच्छे जूते माने ये एक कॉन्स्पिरेसी है। कैसे मैं तुमको समझाऊं, कहने का मतलब ऐसा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो लोग हैं उनको अच्छी चीजें नहीं चाहिए और तुम भी उसका एक हिस्सा है, क्या तुमको भी अच्छी चीज नहीं चाहिए, जैसे कि तुम 2 साल के बाद आया है ना, समझ रहा आपको, तुमको भी वही बाजार वाला चाहिए, अब तुमको क्वालिटी शूज नहीं चाहिए। हाँ तो कहीं आके बोला ना कि देखिए आपका जूता पहले से भी अच्छा है, 2 साल तक लास्ट किया, तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ये भी उसी टीम का हिस्सा तो नहीं है जिसको भैया यूज एंड थ्रो वाला कहानी आजकल जो चल रहा है, वो है कि नहीं भैया। हमारे यहाँ तो आजकल ऐसा चल रहा है कि एक बार कोई कपड़ा पहन लेता है किसी पार्टी में तो दोबारा नहीं पहनता, क्या निर्मल, लड़की लोग का तो एक कहानी है ना, एक ड्रेस एक पार्टी में पहन लेता, अगला ड्रेस में हम नहीं पहनेंगे। अच्छा ड्रेस भी किसका चाहिए, मनीष मल्होत्रा का, पहले तो तुम मनीष मल्होत्रा का पहन लो, फिर पूरा सब दुनिया को दिखा दो कि देखो ये मनीष मल्होत्रा का ड्रेस है, फिर दूसरा पार्टी में आप मनीष मल्होत्रा का ड्रेस पहन के जा नहीं सकते। अब बताइए मनीष मल्होत्रा का ड्रेस कितना महंगा होता है, क्या चल रहा है लाइफ में, है ना।
मैंने ऐसा देखो कहानी, देखो मनीष मल्होत्रा का ब्रांड कितना अच्छा है। एक तो पहले आप पूरी दुनिया को दिखाओगे, देखो मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा, एक बार सबने देख लिया, अब आप दोबारा उसको पहन नहीं सकते। अरे मनीष मल्होत्रा का है तो 10 बार पहनो, सोच के ठीक देख है ना चलो एनीवेज, उसको ऐसा लग रहा है ठीक है। वन डज नॉट आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट फॉर इट वाज अगेन मेनी मंथ्स फॉर माय नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। लेकिन आप इसका बेचारे का क्या करें, उसका जूता खराब नहीं होता तो उसका जो टाइम है वो लंबाई टाइम के बाद हो जाता है। आई रिमेम्बर विद द फीलिंग्स, ओ वेल आई कांट लीव द ओल्ड बॉय सो हियर गोज, परहैप्स इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर। तो इस बार उसके दुकान में गया, लेकिन ना वो छोटे भाई से डरता है, क्योंकि छोटा भाई थोड़ा ब्लंट है, वो मुंह पे बोल देता कुछ ना कुछ, है ना। जैसे हर बार तुम देखिएगा छोटा भाई कुछ ना कुछ डायलॉग मार देता, तो वो सोचा था कि दुकान पे तो जाना ही पड़ेगा, इस आदमी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसके जूते पसंद थे, है ना। टाइम लगता था, मैंने वो चलते थे सब कुछ, तो उसको जूते पसंद थे उसके, ठीक है। तो वो फिर दोबारा गया उसकी दुकान पे, ठीक है, और वो भगवान से प्रे कर रहा था कि काश बड़ा भाई हो, क्योंकि बड़ा भाई कम बोलता है, छोटा भाई थोड़ा ब्लंट है, मुंह पे बोल देता है, ठीक है। फॉर इज एल्डर ब्रदर आई न्यू हैड नॉट कैरेक्टर इनफ टू रिप्रोच मी इवन डम्बली। तो बड़ा, उसका जो बड़ा भाई है वो मेरे को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं करेगा या कोई ताना नहीं मारेगा, तो अगर बड़े भाई से मिलूं तो अच्छा है, छोटे भाई को वो अवॉइड कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ही वो दुकान में गया, एंड टू माई रिलीफ इन द शॉप देयर डिड अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और इसका भाग अच्छा था, उस दिन जब दुकान में गया तो एक्चुअली में बड़ा भाई था, है ना, इसको लगा कि बड़ा भाई है, और उसके हाथ में एक लेदर था, वो लेदर के साथ कुछ कर रहा था, तो इसको अच्छा लगा, चल बड़े से बात करेंगे, छोटा यार छोटा कुछ भी बोल देता है। वेल मिस्टर गेसलर आई सेड, हाउ आर यू, ठीक है, उसने बोला कैसे आप। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो पास आके, और पास आके उसको देख रहा, उसकी आंखें भी खराब, बोलता आई एम प्रीटी वेल, मैं ठीक हूं, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन बड़ा भाई मर गया। देख रहा है, पहले दो दुकान का एक हो गया, ठीक है, अब बड़ा भाई भी मर गया उसका। तो एक्चुअली वो छोटे भाई से मिल रहा है, और छोटे भाई का हालत ऐसा है कि वो अपने बड़े भाई जैसा दिख रहा है, मतलब वो अब अपने बड़े भाई जैसा बूढ़ा हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि टाइम सही नहीं चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है आस्ते आस्ते, ठीक है। एंड आई सॉ इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वैन, लेकिन उसने देखा ये तो वही था, लेकिन कितना एजेड लग रहा था, पहले से कितना एजेड और पहले से कितना वैन। वैन का मतलब होता है आउट शेप हो जाना, ठीक है। तुम लोग अगर वाला स्टोरी पढ़ा है मैगी वाला, तुम लोग के है कि क्लास 10 में, यस एन यस एंजल इन डिसगाइज, याद आ रहा है, उसमें उसको बोलता ना वैन, उसका वैन, वैन शेप उसको बोलता ना, उसका टेढ़ा वैसे वैसे आ रहा है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। अच्छा एक और बहुत क्या शॉकिंग लगा बोलूं मैं, इससे पहले कभी भी छोटा भाई अपने बड़े भाई के बारे में बात नहीं करता, और आज पहली बार वो खुद बोल रहा है, और खैर उसका भाई का डेथ भी हो गया तो वो अपने बड़े भाई को मिस भी कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो ही उसने बोला ओ आई एम सॉरी, यस ही आंसर्ड, ही वाज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट बट ही इज डेड, बोला अच्छा आदमी था, अच्छे बूट्स बनाता था, लेकिन अब मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, ठीक है। और फिर क्या नाम है, उसने अपने सर पे हार रखा जहां पर उसके बाल कम हो गए थे, ठीक है, तो उसके भाई के भी ना सर पे बाल कम थे, तो उसने अपने सर पे हाथ रख के बताया कि यहाँ पर ऐसे कुछ रख के बताया, शायद बता रहा था ये कारण है, शायद चिंता के कारण, टेंशन के कारण उसका भाई मर गया, ठीक है। ही कुड नॉट गेट ओवर लूजिंग दी अदर ओल्डर शॉप, हाँ बोल रहा है कि जब उसका दूसरा दुकान उससे छीन लिया गया था, जो सेकंड वाला दुकान छीन लिया गया था, लोगों को छोड़ना पड़ा, उसका जो सदमा उसको लगा वो सदमा से बाहर नहीं निकल पाया, समझ गया। तो जो लॉस ऑफ शॉप है वो, मतलब लोग क्या सोच रहे होंगे यार, हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे दुकानें बिक रही है ना, मतलब मैंने दुकान बिक जा रही है भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की। तो पूरा डू यू वांट एनी बूट्स, एज ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड ही सेड इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और उसने एक लेदर उसको दिखाया, बोला बहुत ही सुंदर लेदर है, तुमको जूता चाहिए। आई ऑर्डर्ड सेवरल, की जब भी जाता है बेचारा ज्यादा ही ऑर्डर करके आता, ठीक है, दो का तीन, तीन का पांच ही करके आता। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर द गेम, और इस बार तो और लेट आया, पहले दो भाई काम करते थे, अब अकेला काम, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन क्वालिटी पहले से बेटर था, हो सकता है काम भी उसके पास कम था तो ज्यादा मेहनत से करा रहा था। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट
एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। अब मैंने उसके जूते ऐसे थे ना कि आप पहन के उसको खराब कर ही नहीं सकते, वो खराब होंगे ही नहीं। और उसके बाद ये चला गया, माने वहां से बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। एक साल के बाद ये वापस लंडन आया और सबसे पहला काम क्या किया, अपनी फेवरेट दुकान पे गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज टू माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 16, आई केम बैक टू वन ऑफ 75। बोला जब मैं गया था तो वो आदमी ऐसा लग रहा था 60 साल का है, जब मैं लौट के आया तो वो 75 साल का हो गया था, मैंने इतना बूढ़ा हो गया। पिंच्ड एंड वॉन एंड ट्रिमुलस, ट्रिमुलस मतलब शेकिंग, ठीक है, मैंने हर जगह से ऐसा लग रहा था कि टूटा फूटा परेशान है ना, और ऐसे अब तो कांप भी रहा है, पहले कांपता नहीं था, अब तो कांप भी रहा, उसके हाथ पैर कांप रहे। वो जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और इस टाइम तो वो मेरे को पहचाना भी नहीं, ठीक है। तो इसके दिल से ना, मैंने अब आप किसी को बहुत प्यार करते हो, किसी को मैंने तो डरता जरूर था उससे, लेकिन प्यार तो करता ही था, मैंने इज्जत तो करता ही था वो लोग। और आपके सामने आपका हीरो आपका आइडल जब इस तरह से बर्बाद होता है ना, तकलीफ तो होता ही है। मन वो बोला, ओ मिस्टर गैसलर, आई सेड सिक एट हार्ट, हाउ स्प्लेंडेड योर बूट्स आर, सी आई हैव बीन वेयरिंग दिस पेयर नियरली ऑल द टाइम, आई हैव बीन अब्रॉड एंड दे आर नॉट हाफ वोन आउट आदि। तो उसने बोला, अरे मिस्टर गैसलर देखिए, आपके जूते पहन के मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, अभी भी मैं आपके जूते पहना हुआ हूँ, इसको पहन के मैं बाहर भी गया था और ये अभी भी आधे भी खराब नहीं हुए, इतने अच्छे जूते आप बनाते। He looked long at my boots, a pair of Russian leather, and his face seemed to regain steadiness. फिर उसने जूते को देखा, अच्छा जूते को देखते देखते ना ऐसे कांप रहा था वो, ऐसे उसका चेहरा ऐसे हिल रहा था, लेकिन जूते को देख रहा था ना, जूते को देखते तो सीधा हो गया। क्वालिटी आदमी है ना, अपना काम देख लेता ना तो कॉन्सेंट्रेट करता है उन्हें। पुटिंग हिज हैंड ऑन माई इंस्टेप, और वो अंदर की तरफ कहीं जूते पे इन साइड पार्ट ऑफ द शू में कहीं उसने हाथ लगाया। He said, "Do they beat you here?" बोला, तुमको यहाँ पर जूता ने काटा था क्या? उसको पूछ रहा है कि यहाँ पर तुमको जूता ने काटा? I had trouble with that pair, I remember. बोला, मुझे ये जूता बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये तुमको तकलीफ दे सकता है, क्या तुमको दिया? देखो क्या क्वालिटी का कंट्रोल है उसके ऊपर ना, जब जूता बना रहा है तब भी उसको पता है कि इस पार्ट में तकलीफ हो सकती है और उसने बहुत मेहनत करी कि नहीं हो, और ऑब्वियसली जो हमारा नैरेटर उसको तकलीफ हुआ ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कभी, उसको तो हुआ ही नहीं। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दिस पीपल आर डूइंग, इतना स्पेशलाइज काम ये लोग कर रहे थे। आई अशर्ड हिम दैट दे हैड फिटेड ब्यूटीफुली। तो उसने बताया, नहीं सर एकदम मेरे तो बहुत परफेक्टली फिट हुई। फिर क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज स्लैक टाइम, ठीक है, स्लैक टाइम स्लैक टाइम, ठीक है। बोला, तुमको जूते चाहिए, मैं जल्दी बना दूंगा तुम्हारे लिए, हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा धंधा डाउन है। आई आंसर, प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड। हाँ मुझे चाहिए हर तरह के जूते, अब जितनी वैरायटी होते हैं, बेचारा जब भी आता है चार का पांच ही ऑर्डर लेके जाता है। पर अब मुझे हर टाइप का चाहिए, जितना टाइप का उतना टाइप का जूता मेरे को बना था। बोलता, आई विल मेक अ फ्रेश मॉडल, योर फुट मस्ट बी बिगर। बोला, पहले से बड़ा हो गया होगा तुम्हारा फुट, तुम पहले से बड़े हो रहे हो। एंड विद दिस अटर स्लोनेस ही ट्रैक अराउंड माई फुट एंड फेल्ट माई टोज ओनली वंस लुकिंग अप टू से, ठीक है। और वो उसके पैर पे हाथ लगा के चेक कर रहा है, उसका नाप वाप दे रहा है, फिर अचानक सर ऊपर करके उसको बोल रहा है, डिड आई टेल यू माई ब्रदर वॉज डेड। बोला, मैंने तुमको बताया मेरा भाई मर गया है? बताया मैंने। ओहो, ये सुन के तो ना बेचारे का नरेटर का एकदम हालत ही खराब हो, कितना दुखी कितना प्यारा अपने भाई को मिस कर रहा है। टू वॉच हिम वॉज पेनफुल, सो फीबल हैड ही ग्रोन, फीबल माने वीक। बोला, उसको ऐसा देखना बड़ा पेनफुल था, वो इतना कमजोर हो गया था। आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे, और वो वहां से भाग गया, देख नहीं पा रहा था भाई, लोग का तकलीफ नहीं देख पा रहा था वो, ठीक है, और वो वहां से जल्दी निकल गया। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मतलब उसको ना वो बूट के बारे में भूल ही गया, वो उसको लगा पता नहीं बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, बूढ़ा हो गया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मैंने तो बहुत सारा ऑर्डर दिया। लेकिन एक शाम को एक पार्सल आया, ठीक है, आई सेट द फोर पेयर्स आउट इन अ रो, और उसमें से चार पेयर ऑफ जूते निकले। Then one by one I tread them on, और उसने चारों को पहन के देखा। There was no doubt about it, in shape and fit, in finish and quality of leather. मतलब हर चीज से परफेक्ट, फिट परफेक्ट, फिनिश परफेक्ट, क्वालिटी ऑफ लेदर तो ऑब्वियसली सुपर, ठीक है। They were the best he had ever made me. मैंने वो आज से पहले इससे बढ़िया कभी जूता बनाया ना, बेस्ट जूता आज का, मैंने फुल मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट जूता। एंड इन द माउथ ऑफ वन ऑफ द टाउन वॉकिंग बूट्स आई फाउंड हिज बिल। और पहली बार उसने एक जूते के माने एक जूते के अंदर उसने अपना बिल भी डाल दिया था, ठीक है। द अमाउंट वॉज द सेम एज यूजुअल, दाम में कोई चेंज नहीं, दाम वही के वही थे,
बट इट गेव मी क्वाइट अ शॉक, ही हैड नेवर बिफोर सेंट इट इन अ क्वार्टर डे, बोला इससे पहले उसने इतनी जल्दी कभी भी मेरे को बिल नहीं दिया था, ये पहली बार है जब उसने इतनी जल्दी बिल मेरे को दे दिया, मैंने 7 दिन के अंदर उसने करीब बिल दे दिया, ठीक है। तो इसने आई फ्लियर डाउन स्टेयर आई फ्लू डाउन स्टेयर एंड रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, वो नीचे गया उसको चेक काटा और उसके पोस्ट भी कर दिया, मैंने तुरंत पैसा भेजा उसको, ठीक है। अब देखो गेम, अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो बोला मैं सोचा कि चलो उसी के घर से बगल से निकल रहा हूँ उसको बताता हुआ चलूं कि वो जूते बहुत अच्छे से मेरे पैर में फिट हो गए। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब वो उसकी दुकान के बाहर खड़ा हुआ तो अब उसकी दुकान पे मिस्टर गैसलर का नाम नहीं था। स्टिल देयर इन द विंडो विद द स्लिम पंप्स द पेटेंट लेदर्स विद क्लोथ टॉप्स द सूटी राइटिंग बुक्स, लेकिन उसके जूते वहीं थे अभी तक, ठीक है। नाम चला गया पर उसके जूते वहां पर थे, ठीक है। माने जिसने दुकान ली ना इतना बदमाश है, सैंपल में उसी का जूता लगा के रखा, ठीक है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द टू लिटिल शॉप्स अगेन मेड इन टू वन, वन वॉज अ यंग मैन विद इंग्लिश फेस, अब ये फिर से दो दुकान की एक एक दुकान हो गई है, मैंने अब जो नया आदमी आया उसने दोनों दुकान खरीद ली, हो सकता है जो एक दुकान लिया था उसी ने ये वाली दुकान भी ले ली, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने उसके अंदर एक इंग्लिश फेस वाला आदमी मैंने एक तो ब्रिटिशर था वहां पे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर नरेटर पूछा मिस्टर गैसलर इन, मिस्टर गैसलर अंदर है, सेड ही गेव मी अ स्ट्रेंज इनग्रेशिएटिंग लुक, इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है साइकोफैंटिक, मतलब क्या बोले इसको, नकली नकली उसने लुक दिया, यस सर, है ना, पटाने वाला लुक, आइए सर। तो उसने बोला नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, बोला वो तो नहीं है लेकिन आपको जो चाहिए वो हम आपको बना के देंगे, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान खरीद ली है, यू हैव सीन आर नेम नो डाउट नेक्स्ट डोर, वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, बोला आपने तो हमारा नाम देखा ही होगा, हम यहाँ कर बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए बनाते हैं शूज, यस यस आई सेड, बोला हाँ हाँ ठीक है पर गैसलर कहाँ है, मिस्टर गैसलर कहाँ है, बोला ओ गैसलर ही आंसर्ड डेड, दूसरा भाई भी मर गया, ठीक है। तो बोला डेड, अरे अभी तो मेरे को उसको जूता मिला एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले तो मैंने उसका शूज पाया, उसका पेमेंट भी किया मैंने, बट आई ओनली रिसीव दिस गुड्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, ठीक है मेरे को तो अभी पिछले हफ्ते मिला, आह ही सेड अ शॉकिंग गो पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, भूखा मर गया वो, खाने को पैसा, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा। अरे भाई मेरे संग तो ऐसा नहीं होगा ना प्रतीक, थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर दे क्या वरना हम लोग 100,000 भी रह जाएंगे क्या, बाकी लोग 1 मिलियन तक पहुंच जाएगा थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर देना चाहिए नहीं अरे टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे बच्चा लोग तो इतना बदमाश है जो लोग देखता है वीडियो सब देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। अच्छा सब्सक्राइब करने से होता क्या बताओ, किसी का पैसा लगता है? नहीं, क्या होता है नहीं सर लोग को मोटिवेशन मिलता है ना, अच्छा लगता है ना कि चलो इतने बच्चे हैं इतने बच्चे हैं, है ना, अच्छा लगता है। अब जब हम देखते हैं हम लोग का जो जो हमारे जो अपोजिशन में या जो और भी है अच्छे टीचर है सर, पर उनका 200 300 400 हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने बहुत बार बच्चों को, पर जानते मैं जब भी देखता हूँ ना एग्जाम टाइम, ऑटो में देख लो, मैं कहीं पर भी देख लो, मैं ऐसे कभी भी जाता हूँ सब जगह बैक बेंचर का वीडियो चल रहा है, हम लोग का व्यूज जो होता है वो एकदम छप्पड़ फाड़ निकलता है, मैंने एक दो दिन जो होता है ना एग्जाम के पहले हम लोग का व्यू ऐसा चलता है ऐसा छप्पड़ फाड़ के निकलता है ऐसा, मेरे इतना लंबा लंबा एरो बनता है उस दिन, है कि नहीं, हर जगह बैक बेंचेस है, लोग मेरे को ऐसा बोलते सर हम पढ़ते वहां है लेकिन देखते आपको है, हमारा टीचर है पर पढ़ते हम आपसे है, अजीब कहानी। मैं तो एक दो टीचर को भी जानता जो मेरा वीडियो देख के पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर अब हम लोग का अपना जेन्युइन व्यूज कम रहता है और बाकी लोग का ज्यादा, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है थोड़ा, है ना, कि भाई थोड़ा सा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, कहीं सर का भी हार, सब्सक्राइब कहीं सर का भी हार मिस्टर जेसलर जैसा नहीं हो जाए हट ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। बोल रहा है द मैन एक्चुअली स्टार्व्ड हिमसेल्फ, गुड गॉड इसने बोला, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, बोला आस्ते आस्ते कम खाते 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 उसका डेथ हो गया, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, मतलब वो ऐसे काम करते थे सारा दिन उसका दुकान खुला ही रहता था, वुडंट हैव अ सोल टच हिज फुट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, किसी और आदमी से काम करवाते नहीं थे अपना काम खुद करते थे सारा काम, बोला व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, जब ऑर्डर मिलता तो टाइम ज्यादा लगता था क्योंकि अपने हाथों से करते थे किसी से करवाते नहीं,
पीपल वोंट वेट, लेकिन लोग इंतजार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, ही लॉस्ट, उसने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो बैठा बैठा अपना काम ही करता रहता। आई विल से दैट फॉर हिम, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, बुरा उससे अच्छा जूता बनाने वाला पूरा लंडन में कोई नहीं है। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, पर कॉम्पिटिशन देखिए, ही नेवर एडवर्टाइज, जैसे प्रतीक बोल रहा था, नेवर एडवर्टाइज, ने कभी अपना एडवर्टीजमेंट कभी नहीं किया, उसने कभी बाहर नहीं लिखा कि आई एम मेड फॉर रॉयल पीपल या रॉयल, ऐसा कुछ नहीं लिखा। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसका जो लेदर होता था वो भी दुनिया का, मैंने लंडन का सबसे बेस्ट होता था। एंड डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और हर सारा काम अपने आप करता था। वेल वेर इट इज, वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया। अब देखो यहाँ पे एक तो और सरकास्टिक क्वेश्चन है, बोला अगर इस तरह का आपका आइडिया है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइएगा, अपना सारा काम खुद कीजिएगा, कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, तो आपके संग क्या होगा? यही होगा, बट स्टार्वेशन, आप ऐसे ही स्टाफ करके मरोगे। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, बोला वो क्या करता था, अपने जूतों को बैठा रहता था, मैंने अपना काम करता ही रहता था, ठीक है। यू सी आई यूज टू वॉच, बोला मैं उसको देखता था काम करते हुए, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, बोला इतना काम में बिजी रहता था कि ना खाने का वो है, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कभी घर में एक पेनी भी नहीं होता था, सारा पेनी कहाँ जाता था, ऑल वेंट इन रेंट, या तो रेंट भरता था वो या फिर लेदर खरीदता था, घर में एक पैसा भी नहीं रखता था। हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो, बोला अभी तक इतना जिंदा कैसे ये भी नहीं पता। ही रेगुलर लेट इज फायर गो आउट, फायर गो आउट का मतलब उसका चूल्हा बहुत टाइम बुझा हुआ रहता था, चूल्हा जलाने का भी पैसा नहीं था। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, बोला एक अलग ही कैरेक्टर था पर अच्छे जूते बनाता था। तो अब यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है, यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, बोला हाँ मुझे पता है वो अच्छे जूते बनाता था। एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली, और नैरेटर तुरंत घूम के वहां से चला गया, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट दैट यू टू नो दैट आई कुड हार्डली सी, क्योंकि उसकी आंखों में इतना आंसू भर गया था जब उसके बारे में बात कर रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि उसको समझ में आए, वो उसकी आंसू देख ले आंख में, तो वो तुरंत टर्न करके वहां से चला गया, और उसने बोला हाँ मुझे पता है कि वो अच्छे जूते बनाता था, समझ गया। तो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पता नहीं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, डरना, डर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आपको अच्छा जूता बनाना है कि नहीं बनाना, पता नहीं भाई है कि नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। वैसे डरने का कोई बात नहीं है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, इसका कोई वो नहीं है। हाँ आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, बट क्वालिटी होना ही इम्पोर्टेंट है। तुम देख लो इसका, मैं तुमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में वही सर्वाइव करेगा जिसके पास क्वालिटी है ना, जिसके पास क्वालिटी नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। इंडिया में तो हर आदमी क्रिकेट खेलता है ना, लेकिन फिर भी आपको सोच, है ना, आपके अंदर क्वालिटी होगा तभी आप इंडियन टीम में रह सकते हो, वरना तो देखो आते रहते जाते रहते हैं प्लेयर, अपन को तो आजकल प्लेयरों का नाम भी याद रहता है, कितने आए कितने गए, है ना, लेकिन कौन टिका हुआ है, रोहित शर्मा विराट कोहली टिका हुआ है, क्यों? बिकॉज दे हैव क्वालिटी, है ना। और क्वालिटी है ना, अब ऐसा थोड़ी है कि अब तुम बोलेगा नहीं सर बोला एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इसके लिए खेल रहे, अरे भैया फास्ट बॉलर तो शोएब अख्तर जब सामने से बॉलिंग करता तो खेलना तो पड़ेगा ही ना, तो अगर आपका क्वालिटी नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में बैटिंग तो करना ही पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बैटिंग तो करना ही पड़ेगा, तो क्वालिटी है तभी आप सर्वाइव करेंगे, तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग भी पढ़ाई करोगे तभी परसेंटेज मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। मजा आया निर्मल कौर? यस अच्छा तुम मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लग रही है, तुम एक्चुअल में मेरी क्लास की निर्मल कौर है, कोई और आ गई कि मैं तेरे को पहचान नहीं रहा हूँ? मैंने हाँ स्पेक्स नहीं लगाए तभी हाँ यही मैं बोला कि यार ये क्यों लग रहा, चीटिंग चल रहा है मेरे साथ, कोई नया ही आदमी निर्मल कौर के नाम से आके बैठ गया चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, उसका पार्ट वन का वीडियो मैंने भेज दिया है, पार्ट टू तुम लोग देख लेते, चलो गुड नाइट, बज रहा है रात के 12:30 बजे, 12:30 बज रहा है अभी, है ना, हम लोग का भी क्वालिटी प्रोडक्ट यस है चलो बाय, गुड थैंक यू सर। नाइट। थैंक यू।